subscribe to the exam century youtube channel today and press the bell icon to get regular updates and quality content are you searching for the best quality content for your bank exam preparations subscribe to the exam century youtube channel today and press the bell icon to get regular updates and quality content hello everyone hi guys good evening good evening everyone सो so, सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग का आज एग्जाम हो चुका है राइट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अग्रीड ना और जिन लोगों का बाकी है तो ठीक है आपको इस सेशन से आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली exactly रीजनिंग में क्या पूछा गया था ओके सो मेमोरी बेस एक हम लोग सेशन करेंगे उसमें जो भी सवाल पूछे गए थे मेमोरी बेस उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि उनको कैसे सॉल्व करें क्या बेस्ट अप्रोचेज हो सकती हैं ऑल दीज थिंग्स ओके ऑन अ सेकेंड राइट अच्छा उससे पहले ना एक बार जरा सारे लोग ये बता देना कि जिन जिन लोगों के हो चुके हैं क्या आप मुझे ये बता सकते हो तीन चीजें एक तो टोटल अटेम्प्ट दूसरा मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया और तीसरा रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया एक बार बताएंगे जो भी लोग हैं यहाँ पे एक बार बता देना तीन चीजें टोटल अटैम्प्ट मैथ्स में कितने अटेम्प्ट करें और रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट करें ठीक है और अगर कहीं किसी टाइप के क्वेश्चंस में कोई चैलेंजेस आए हुए हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं यस स्टूडेंट्स बताइए जरा हाँ जी श्रीनिवास ओके नाइस हेलो सिद्धार्थ हेलो मोनिका ओके श्री श्रीनिवास दैट इज ऑसम थर्टी सिक्स एंड थर्टी एट थर्टी सिक्स इन मैथ्स एंड थर्टी एट इन रीजनिंग ओवरऑल सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर इज रियली गुड नंबर ओके और बताइए बाकी सारे स्टूडेंट्स हां जी बताएंगे ओके मोनिका सेवेंथ को पेपर है चलिए कोई नहीं स्टार्ट करते हैं और ये सेशन पे जरा सा थोड़ा सवालों को स्टार्ट करते हैं ओके तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था उसके ऊपर आते हैं और रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करते हैं तो हैव अ लुक अच्छा याद है ना आपको पहले जो पहली शिफ्ट में राइट right, दस लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा गया था व्हेन ऑल वर फेसिंग इनसाइड मतलब सबके सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे उसके ऊपर ये सवाल है हैव अ लुक देखिए जरा पढ़ लीजिए एक बार सारे लोग एक बार पढ़ लीजिए देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर ओके पढ़ लिया टेन पर्सन है ए टू के अग्री ना आई नहीं है इसी वजह से के तक आ रहे हैं वैसे के जो होता है इलेवेंथ लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का ये आपको पता है ठीक है एक सर्कुलर टेबल में के अराउंड बैठे हुए हैं और सबके सब सेंटर फेस कर रहे हैं तो हम पता है क्या करेंगे सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं ठीक है एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं अब अगर हमें टेन पर्सन हमें, अगर हमें बनाने हैं तो पांच डायमीटर बना देते हैं और हर डायमीटर के दोनों एंड पे एक एक पर्सन बैठा देंगे ठीक है सबसे पहले मैंने क्या किया एक डायमीटर दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ठीक है इस तरह से हमने पांच डायमीटर बना दिए तो दस प्लेस बन गए इस तरह हम इनको बैठा देंगे यस सनी समटाइम्स ओके अच्छा अब ना जैसे कि इसमें लिखा है कि टू पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड ई लेकिन इससे मैं ये तो नहीं बता सकते कि जो ए है वो ई e के लेफ्ट में है या राइट में वैसे जब सारे के सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट का मतलब होगा क्लॉकवाइज ये तो आपको पता है अगर सारे के सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट का मतलब होगा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयां जैसे घूमती है ना उसी तरह से हमें लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी ठीक है और राइट उसका उल्टा हो जाएगा है ना तो अभी तक हमें यह नहीं पता है लेकिन जैसे यह लिखा है ना सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इससे हमें पता चल रहा है ठीक है तो डी मैंने यहां पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो मैंने सबसे ऊपर रख दिया डी को अब इसके लेफ्ट में जाना है क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दो तीन तो सी आ हाँ अग्रीड न और उसके बाद में अगर आप लोग ये चीज चेक करोगे लिखा है ओनली फोर पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी टोटल लोग दस है ई e और डी के बीच में चार लोग हैं इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि ई e और डी जो हो गए वो एक दूसरे के ऑपोजिट अब चाहे जिस तरफ से देखो बीच में चार लोग ही आएंगे है ना अब चाहे आप जिस तरफ से देखें बीच में चार लोग ही आएंगे राइट right. अच्छा आगे और जो पॉइंट हमारे पास लिखा है राइट right ना क्या लिखा हुआ है जैसे ये लिखा है एफ सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जी तो जी के इमीजिएट लेफ्ट में एफ होगा ठीक है दोनों एक साथ आने चाहिए और जी जो है जी इज नीदर एडजस्टेड टू ई नॉर्डी तो जी जो है वो ई e के एडजस्ट नहीं हो सकता तो इन दोनों जगह नहीं आ सकता और डी के भी एडजस्ट नहीं है तो इन दोनों जगह नहीं आ सकता अग्रीड ना ये चीज क्लियर है और ये भी लिखा है एफ और डी जो है वो भी इमीजिएट है तो एफ और डी भी एक साथ नहीं आ सकते तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं यहां पे एफ और एफ भी नहीं आ सकता और जी के इमीजिएट लेफ्ट में एफ होना चाहिए थोड़ा सोचो कह रहे थे इकलौती पॉसिबिलिटी जो बची जी यहां होना चाहिए और एफ यहां होना चाहिए अग्रीड ना यही इकलौती पॉसिबिलिटी बची एक बार बता देना जरा सारे के सारे लोग इकलौती पॉसिबिलिटी यही है ना अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी फॉर जी एंड एफ ठीक है अग्रीड डन फाइन अच्छा अब एक पॉइंट पे आइए जैसे ये लिखा था टू पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई ए और ई e के बीच में दो लोग हैं तो ई e के लेफ्ट में तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर हमें ए यहां रखना पड़ता एफ की जगह पे नॉट पॉसिबल तो ई e के राइट में होगा तो मतलब क्या हुआ आप यहां रख दो ए सॉरी ए आएगा यहाँ पे अग्रीड ना क्लियर है आसान डन ना अब आगे आते हैं जैसे ये लिखा है अच्छा एक और पॉइंट जो लिखा हुआ है कि केवल तीन लोग है जो ई e और के, के बीच में मतलब के या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा मैंने अंदर लिख लिया ये के क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है और जब श्योर होंगे उस जगह हम लिख लेंगे बेसिकली डी के साथ में बैठा होगा कि या तो डी के इमीजिएट लेफ्ट में या फिर डी के इमीजिएट राइट right में है ना अच्छा आगे लिखा है बी जो है बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे कहा हो सकता है क्या मैं ये कर सकता हूं कि बी यहां और जे यहां बी यहा टू द लेफ्ट ऑफ जे सॉरी उल्टा कर दिया मैंने राइट right ना उल्टा कर दिया क्या मैं ऐसे कर सकता हूं बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है जे अगर मैं यहां रख दू बी यहां रख दू इज इट पॉसिबल यस या नो एक बार बता देना जरा सारे लोग क्या यह चीज पॉसिबल है आंसर इज नो अरे के कहा जाएगा के या तो इधर होगा या तो इधर के को भी तो रखना है कहीं तो यह पॉसिबल नहीं है तो अगर यह पॉसिबल नहीं है और हमें यह पता है कि जो B है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J है तो ऑब्वियसली B और J के बीच में केवल एक पर्सन होगा तो J आप यहां रख दो उससे क्लॉकवाइ डायरेक्शन में सेकेंड टू द लेफ्ट में B आ गया अग्रीड ना अब हमारे पास में बचा क्या दो ही पर्सन बचे हुए एक एच दूसरा के है ना अच्छा ये लिखा है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड जे इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड एफ तो बेसिकली एच जो होगा वो एफ से उतना ही दूर होगा जितना जे से होगा कहाँ होगा दो ही पॉसिबिलिटी जो दो ही खाली प्लेसेस बचे हैं आई बिलीव एच पक्का यहाँ होना चाहिए तब F और H के बीच में दो लोग राइट ना दो लोग ये दोनों और H और J के बीच में भी दो लोग राइट और बचा कौन K K को D और F के बीच में रख देते हैं है ना बचा कौन K उसको ऐसे रख देते हैं तो बेसिकली ये था एक आसान सा सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल जिसमें सारे के सारे पर्सन जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं टेन पर्सन है और हमेशा याद रखना हम जब भी स्टार्ट करते हैं ना तो या तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन पता हो एग्जैक्ट सर्कुलर में तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट रिलेशन गिवन होना चाहिए था जैसे इसमें लिखा था सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इस तरह से और फिर हमने डी से हमें यह भी पता चला केवल चार लोग हैं e और D के बीच में तो उससे ना? अब मैं उम्मीद करता हूं इसके जो सारे के सारे, सारे सवाल है अब आप कर दोगे जैसे पहला है हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन सी एंड बी वेन काउंटेड फ्रॉम सी अब अगर ये काउंटिंग करी जाए मैं एक काम करूंगा कलर चेंज कर रहा हूं मैं पेन का तो से लेफ्ट इधर है एक दो आंसर कितना हुआ टू परसन है ना आंसर कितना टू परसन अच्छा इसी तरह आगे लिखा है सी इज रिलेटेड टू एच सी इज रिलेटेड टू एच एंड डी इज रिलेटेड टू एफ है ना और तो इन अ सर्टेन वे हु इज रिलेटेड टू ई हमें यह चीज पता लगानी है ठीक है अब इसी को मैं उधर रखता हूं सी इज रिलेटेड टू एच डी इज रिलेटेड टू एफ तो कोई और रिलेटेड है ई e के साथ में तो सी इज रिलेटेड टू एच डी इज रिलेटेड टू एफ तो कोई और है पर्सन हु इज रिलेटेड टू ई अच्छा एक बात बता ना, क्या मैं बोल सकता हूं सी के सेकेंड टू द राइट में है एच और डी के सेकेंड टू द राइट में है एफ तो ई किसके सेकेंड टू द राइट में आई बिलीव जी के सेकेंड टू द राइट में इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं ना अग्रीड ना तो अब आप आंसर तो कर ही लोगे सारे के सारे राइट right. अगले अगले सेट पे मूव करते हैं ओके वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेट अगले सेट की तरफ मूव करें, करते अ लुक देखिए जरा वेट वाला जो सवाल है हमारे पास में सिक्स पर्सन है एबीसीडीएफ दे हैव डिफरेंट वेट्स तब तक आप इसे पढ़ लीजिए राइट आई एम वेटिंग पढ़ लीजिए आप इसे पढ़ लीजिए बहुत आसान सा है ये सेट बहुत आसान सा है पढ़ लिया चलिए तो फिर देखते हैं लिखा है हमें सिक्स पर्सन है ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट वेट है दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट ठीक है तो एक काम करते हैं हम नंबर दे देते हैं राइट नंबर वन का मतलब होगा जिसका वेट सबसे ज्यादा है ठीक है वन का मतलब जिसका वेट सबसे ज्यादा है राइट right ना और हम वर्टिकली अरेंज कर देते हैं क्योंकि ये लिखा नहीं है तो हम जैसे चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं ओके ओके गौतम एक्सीलेंट राइट नाइस nice. अब जैसे ये लिखा हुआ है एफ इज देन तुरंत हमारे दिमाग में आया जो ज्यादा वेट का है वो ऊपर आएगा ना जो ज्यादा वेट का ऊपर आएगा सो so एफ जो आएगा एफ ऊपर आएगा किससे बी से है ना इनके बीच में और लोग भी आ सकते हैं वे एंड लाइटर देन डी सो एफ इज लाइटर देन D, सो so F, so F नीचे आएगा D से अच्छा बाई एक और चीज बताना ये लिखा है बोथ A एंड C आर हैवियर देन D, तो ए और सी जो दोनों है ये दोनों डी से हैवियर है और ये भी लिखा हुआ है ए इज लाइटर देन ई तो ए जो है वो ई e से ई e से नीचे आएगा और ई e जो है, हैवियर देन सी तो बेसिकली ई इज हैवियर देन बोथ ए एंड सी तो ई e सबसे ऊपर आएगा तो ई e का वेट सबसे ज्यादा अब ए और सी में क्या सीक्वेंस होगा वो कहीं कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है बाद में डी एफ बी इट

e A और c उनके वेट 65 किलो से ज्यादा होंगे f का वेट 65 और 51 राइट 65 और 51 के बीच में होगा राइट ना इतना समझ लिया अब सवाल जो भी है जैसे हाउ मेनी पर्सन आर है heavier than b क्या आई से b तो सबसे हल्का है लाइटेस्ट है टोटल छह लोग थे तो 5 पर्सन आर है heavier than b है ना b सबसे हल्का था अगला व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ f हमें यह पता है एफ का जो वेट होगा वो 51 वन से ज्यादा और 65 फाइव से कम क्योंकि एफ जो है वो बी से हैवी है और डी से लाइट है राइट ना बीच में कौन सी वैल्यू है क्या से एक ही तो आंसर ऑप्शन पॉसिबल है डन मोनिका नहीं तो राय वो मैसेज रिट्रैक्टेड आ रहा है मतलब आपने हटाया है शायद से राइट यस राजू कुमार तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये राइट एंड ऑब्वियसली कुछ एक छोटी मोटी वैल्यू चेंज हो सकती है बिना सेट का एसेंस बदले है ना अच्छा अब ठीक है आप सॉल्व कर ही लोगे अगर ए का वेट एट के जी मोर देन एवरेज वेट ऑफ बी एंड डी है अब बी और डी का हमें वेट ऑलरेडी पता है ठीक है बी का वेट हमें पता है फिफ्टी वन डी का वेट हमें पता है सिक्सटी फाइव तो ए का वेट क्या आ जाएगा एट के जी मोर देन फिफ्टी वन प्लस सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाय टू फिफ्टी एट राइट ना फिफ्टी एट में आठ जोड़ा तो सिक्सटी सिक्स आ गया है ना देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट क्या से ये तीसरा तो करेक्ट हो ही रहा है और अगर इसमें ये दिया होता कि सबके वेट इंटीजर फॉर्म में है तो अगर डी का सिक्सटी फाइव है ए का सिक्सटी सिक्स आ गया तो सी उससे हैवियर होना चाहिए ग्रीड ना। चलिए द थिंग इज आप लोग ये सारे के सारे सवाल सॉल्व कर ही लोगे ओके राजू राइट ना हो जाना चाहिए था क्योंकि अभी तक एज फॉर एज आई कैन सी राइट इट वॉज इजी सेट है ना चलिए आगे बढ़ते हैं लिखा है वॉवल्स इन वर्ड स्नेच आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर और कॉन्सनेट आर चेंज टू प्रीवियस लेटर मतलब वॉवल में हमें वन ऐड करना है कॉन्सोनेट से वन हमें सब करना है तो फिर उसके बाद में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स आर रिपीटेड ट्वाइस कोई ऐसा लेटर है विच इज रिपीटेड ट्वाइस ओके चलिए देखते हैं जरा कहने से जर। जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं अब एक बात बताना क्या वावल को हमें क्या करना है वावल को हमें नेक्स्ट लेटर लिखना है नेक्स्ट लेटर का मतलब क्या हुआ वन ऐड कर देना है तो आई के बाद आता है जे ई e के बाद आता है एफ बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट में पिछला लेटर लिखना है तो एस से पहले आता है आर एन से पहले आता है एम टी से पहले आता है एस सी से पहले आता है बी एच से पहले आता है जी एच जी राइट डी से पहले आता है सी अग्रीड ना यस राजू कभी कभार ओके okay. अच्छा अब अगर हमें जो करेक्ट जो वर्ड दिया गया है उसके हिसाब से यहां तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है राइट right, ना उसके हिसाब से तो यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा है ट नहीं हुआ एम रिपीट नहीं हुआ जे रिपीट नहीं हुआ एस नहीं हुआ नहीं कुछ नहीं हो रहा डन अग्रीड सो वील मार्क नन ऑफ दीज अगर हमारे पास ये सवाल है अगला अच्छा हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट आर देर इन दिस नंबर राइट इच ऑफ विच हैज एज वेनी डिजिट बिट्वीन दम एज इन न्यूमेरिक्स न्यूमेरिकल सीरीज राइट ना बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन हमें चेक करना है अच्छा एक बात बताना कहने से इस तरह के सवाल में नॉर्मली तो अल्फाबेट लेटर की फॉर्म में आते हैं ना अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं नंबर में तो चेक करना और भी ज्यादा आसान है नंबर में तो चेक करना और भी ज्यादा आसान है आई बिलीव अब आप लोग काउंटिंग कर लोगे इसकी आई होप आप लोग काउंटिंग कर लोगे और शुड आई डू इट कर लोगे और शुड आई डू इट नहीं राजू ये दोनों ही सेम सिमिलर सब्जेक्ट है लॉजिक लगाना है रुचि ओके मोर देन फोर या फोर काउंट करूं मैं चलिए मैं पहले लिख लेता हूं एट है सिक्स है फोर है थ्री है फाइव है वन है सेवन है नाइन है टू है तो एट के आगे अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कुछ होगा नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर देखा जाए आठ सात छ पांच चार आठ सात छ पांच चार उसके बाद तीन दो एक नहीं मिल रहा है राइट right, आठ से तो नहीं मिला अच्छा छे से अगर देखा जाए आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ मिलेगा नहीं छः सात आठ नौ यहीं तक खत्म हो जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर देखा जाए छ एक राइट ना छ पाँच चार तीन दो एक राइट ना यहां पे भी नहीं मिल रहा है अग्रीड ना अब एक काम करते हैं क्या से चार और तीन एक पेयर तो हमारा ये बन गया चार और तीन का अग्रहड ना ये बन गया और चार अगर हम फॉरवर्ड जाए चार पांच छ सात आठ नौ चार और नौ का भी बन रहा है चार और नौ का भी बन रहा है अग्रीड ना अब अब अगर तीन के लिए अगर हम चेक करें तो कहना इसे तीन और एक का एक और पेयर बना तीन दो एक राइट ना अब बढ़ते हुए क्रम में जाए तीन चार पांच छे सात आठ नहीं बन रहा है पांच से अगर चेक करें फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में पांच चार तीन दो नहीं बन रहा है राइट right, ना nah, बढ़ते हुए क्रम में तो पांच और सात का एक और बन रहा है राइट right, नौ के साथ बनेगा नहीं एक का किसी के साथ आगे बनेगा नहीं बाकी कुछ बनेगा नहीं एक दो तीन चार आई कैन सी आंसर इज इसके बाद और कहा कुछ बन रहा है एक दो तीन अरे चार ही तो है और कुछ बन रहा है चार ही तो आए फोर एंड नाइन काउंट कर लिया राइट ना एक हमारे पास में फोर एंड नाइन बना चार और तीन बना राइट ना तीन और एक बना पांच और सात बना चार ही तो आ रहे एक से चार हाँ वो चार और एक हमने काउंट कर लिया ना चार तीन दो ओ या या, 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 या और यस चार और एक ये भी तो है माय मिस्टेक अरे ये मुझे समझ जाना चाहिए था तो जब चार तीन बन रहा है तीन एक बन रहा है तो चार एक भी तो बनेगा ही जब चार तीन बन रहा है तीन एक बन रहा है तो चार एक तो बनेगा ही हमारा आंसर ये इट विल बी मोर देन फाइव मोर देन फोर आंसर इज फाइव एग्जैक्ट वैल्यू आएगी फाइव अगला अच्छा अब हमारे पास में कुछ एक ऐसे सवाल हैं राइट ना विचार आर और जैसा कि आपको पता है ओनली अ फ्यू बहुत पूछा जा रहा है राइट right? आज पूरे दिन ओनली अ फ्यू तो बहुत पूछा गया डन राइट ना अब एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं तो जब जैसे इसमें लिखा है ओनली अ फ्यू ब्राउजर्स आर बैंडविथ राइट ना एंड ऑल बैंडविथ आर ब्रॉडबैंड एंड नो ब्रॉडबैंड इज इंटरनेट राइट सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि इसमें जो है ब्राउजर बैंडविथ एंड ब्रॉडबैंड तीन वर्ड तीन के तीनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें उनको कुछ ना कुछ सिंबल देना पड़ेगा ब्राउजर को एक काम कर लेते हैं ब्राउजर को क्या कर लू मैं बी डब्ल्यू लिख लू ठीक है बैंडविथ को अरे इसमें बी डब्ल्यू आता है ब्राउजर को मैं क्या लिख लू ब्राउजर को चलिए ब्राउजर को ब्राउ लिख दूंगा ओके okay. बैंडविथ को बैंड लिख दूंगा ब्रॉडबैंड को ब्रॉड लिख दूंगा इंटरनेट तो इंटरनेट है ही अग्रीड ना सी सॉल्व इट अच्छा लिखा है ओनली अ फ्यू ब्राउजर आर बैंड और हमें यह पता है ऑल बैंडविथ आर ब्रॉडबैंड ऑल बैंडविथ आर ब्रॉडबैंड तो जो बैंडविथ है ना वो हमारा अंदर आएगा पक्का से ब्रॉडबैंड के वो हमारा ब्रॉडबैंड के अंदर आएगा और ये लिखा है नो ब्रॉडबैंड इज इंटरनेट तो ब्रॉडबैंड से अलग आएगा हमारे पास में इंटरनेट है ना ब्रॉडबैंड से अलग आएगा हमारे पास में इंटरनेट अच्छा ये जो लिखा है ओनली अ फ्यू ब्राउजर आर बैंडविथ मतलब कुछ ब्राउजर तो हैं जो बैंडविथ है सारे ब्राउजर बैंडविथ नहीं हो सकते तो जो ब्राउजर है जो बचा है वो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो या आप चाहो तो ऐसे भी बन सकता है दो एक्सट्रीम केसेस मैंने बना लिए ठीक है थीके? ये दोनों ही रह, एक ये, ये, क्या है ब्राउजर के लिए मैं बना रहा हूं बाकी जो मैंने लिखा नहीं है दैट इज फॉर ब्राउजर ओनली अ फ्यू ब्राउजर आर बैंडविथ अग्रीड ना तो सारे के सारे ब्राउजर बैंडविथ नहीं हो सकते लेकिन कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन एरिया तो होना चाहिए अग्रीड ना अब ये भी हो सकता था कि बैंडविथ को पूरा कवर कर लेता ब्राउजर वो भी पॉसिबल है अग्रीड बट ठीक है विल we'll सी अब जैसे इसमें लिखा है नो इंटरनेट इज अ अंड यस वी आर श्योर अबाउट इट फिर लिखा है सम ब्रॉडबैंड और ब्राउजर ये भी श्योर sure है क्यों क्योंकि ब्राउजर और बैंडविथ के बीच में कॉमन एरिया है ही और बैंडविथ पूरा का पूरा ब्रॉडबैंड के अंदर है तो दोनों ही पक्का श्योर sure है तो श्योर sure है मतलब क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी अग्रीड ना डन अगला राजू ओके 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 अगला देखिए जरा लिखा है नो डिस्क इज मेमोरी ओनली अ फ्यू मॉडर्न्स आर डिस्क एंड ऑल मेमोरी आर रिबूट ठीक है तो ऑल मेमोरी आर रिबूट एंड नो डिस्क इज मेमोरी तो सबसे पहले डिस्क जो है वो अलग रहेगी मेमोरी से ठीक है ये अलग रहेगी ओके और ये भी लिखा है ऑल मेमोरी इज रिबूट अच्छा तो रिबूट हो सकता है इतना बन रहा हो रिबूट या फिर हो सकता है रिबूट इसको भी कवर कर रहा हो कुछ भी पॉसिबल है ना और इसके बाद ये भी लिखा है ओनली फ्यू मॉडर्न सारे डिस्क तो सारे के सारे मॉडर्न डिस्क नहीं हो सकते हैं राइट ना मतलब हम क्या कर सकते हैं हम एक तो हम मॉडर्न इस तरह का ले सकते हैं यहाँ पे ये मॉडर्न बन गया है ना Only a few are disk. या फिर ये जो हमने रिबूट लिया है ना इसी तरह मॉडर्म भी बना सकते हैं दो एक्सट्रीम केसेस अग्री ताकि सारी की सारी पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी पॉसिबल है क्यों ये जो रिबूट है वो हमें पता है यह पूरा कवर कर सकता है ना पॉसिबिलिटी में किसी एक केस में भी ट्रू हो गया मतलब फॉलो करता है, है ना पॉसिबिलिटी और कैन बी का मतलब एक ही होता है जैसे सिकेंड में लिखा है ऑल मॉडर्म कैन बी मेमोरी ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता बिल्कुल क्यों क्योंकि जो मॉडर्म और डिस्क के बीच का कॉमन स्पेस तो होगा ना कुछ ना कुछ वो जो है वो मेमोरी के साथ कभी कॉमन हो ही नहीं सकता है तो ये नहीं होगा हमारा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट पहले वाले में पॉसिबिलिटी थी सेकंड में भी कैन भी लिखा है मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है लेकिन सेकंड में पॉसिबिलिटी है ही नहीं हो ही नहीं सकता किसी भी केस में है ना चलिए तो इस तरह से हमारा आएगा ओनली फर्स्ट अगला ओनली अ फ्यू कंज्यूम आर कस्टम्स नो इन्वेस्टर इज कंज्यूम few consumer lenders i believe it must be consumers right only then it will make sense but then se locks ma nothing makes sense agree देखिए जरा लिखा है only a few consumer custom no investor is consume, few consumer lenders few का मतलब सम होता है है ना just few लिखा है only a few वगैरह तो लिखा नहीं है few अगर लास्ट स्टेटमेंट में तो वो तो सम होता है तो जैसे इसमें लिखा है नो इन्वेस्टर इज कंज्यूम हम क्या करें हम इन्वेस्टर अलग कर लेते हैं नो इन्वेस्टर इज कंज्यूम और कंज्यूम अलग कर लिया ठीक है कंज्यूम अलग कर लिया अग्रीड अच्छा उसके बाद में ये लिखा है फ्यू कंज्यूम्स आर लेंडर्स हम चाहें तो लेंडर इधर बना सकते हैं या ये भी हो सकता है कि लेंडर इन सबको कवर कर रहा हो ऐसा भी हो सकता है लेंडर कंज्यूम के अंदर भी आ सकता है राइट है ना कुछ भी पॉसिबल है फिर उसके बाद लिखा है ओनली अ फ्यू कंज्यूम आर नॉट कस्टम कुछ ही ऐसे कंज्यूम हैं जो कस्टम नहीं है ठीक है ओनली अ फ्यू कंज्यूम आर नॉट आर कस्टम नॉट नॉट कहां लिखा हुआ है राइट right, मैं नॉट पढ़ क्यों रहा हूं राइट right, तो कुछ ही ऐसे कंज्यूम है जो कस्टम है बेसिकली कंज्यूम आर कस्टम बट नॉट ऑल तो आप चाहो तो कस्टम यहां पे इसके अंदर रख सकते हो या दूसरी पॉसिबिलिटी कस्टम की आप ऐसे भी बना सकते हो इसे भी ये भी कस्टम हो जाएगा अग्रीड कुछ भी हो सकता है मैं दो ऑपोजिट केसेस बना रहा हूं ताकि सब कुछ कवर हो जाए लिखा है ऑल लेंडर्स कैन नेवर बी इन्वेस्टर क्या ये चीज ट्रू है फकोर्स ट्रू है क्योंकि लेंडर और कंज्यूम का जो कॉमन पोर्शन है ना ये जो बन रहा है ये कभी भी इन्वेस्टर के अंदर आएगा ही नहीं तो ये तो पक्का ट्रू है दूसरा लिखा है ऑल कस्टम्स आर इन्वेस्टर्स नहीं नॉट नेसरली ऑल कस्टम्स आर इन्वेस्टर ये जरूरी थोड़ी ना है अग्रीड गाइज एक बार फिर से चेक कर लेना ए होगा हमारा ई नहीं होगा अरे ऑल लेंडर्स कैन नेवर बी इन्वेस्टर बेसिकली वो ये बोल रहे हैं लेंडर जो है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टर के अंदर नहीं आ सकता of course, वो ट्रू है क्यों क्योंकि जो कोई इन्वेस्टर कंज्यूम नहीं है और लेंडर और कंज्यूम के बीच में कुछ कॉमन एरिया बनेगा और लेकिन इन्वेस्टर तो एकदम अलग है तो लेंडर और कंज्यूम के बीच का ही जो कॉमन एरिया बन रहा है यहां पे ये बन रहा है या फिर ये बन रहा है वो कभी भी इन्वेस्टर के अंदर जाएगा ही नहीं है ना ए आएगा हमारा आंसर अगला एंड प्लीज इग्नोर द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हिस्सर इसकी जगह आर होना चाहिए बहुत जगह पर जहां पर भी ऑल या सम या ओनली अ फ्यू यूज हुआ है ठीक है हाँ जी लिखा है ऑल पाउंड इज फ्रैंक एंड सम यूरोज पाउंड एंड ओनली अ फ्यू डॉलर आर यूरोल पाउंड इज फ्रैंक तो पाउंड जो है वो फ्रैंक के अंदर है ठीक है उसके बाद ये लिखा है सम यूरो इज पाउंड ओके एंड ओनली अ फ्यू डॉलर्स आर यूरो तो यूरो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो अंदर या फिर यूरो आप चाहो तो ये बाहर भी बन सकता है पूरा इन सबको कवर भी कर सकता है यूरो इट कैन बी एनीथिंग राइट ना फिर लिखा है ओनली अ फ्यू डॉलर्स आर यूरो कुछ ही ऐसे डॉलर्स हैं जो यूरो हैं सो so सारे के सारे डॉलर्स यूरो नहीं हो सकते तो हो सकता है डॉलर यहां बन रहा हो सबसे अलग या फिर हो सकता है डॉलर यहां बन रहा हो अग्रीड ना कुछ भी हो सकता है लिखा है सम फ्रैंक आर यूरो नॉट नेसरली फ्रैंक इधर है ये फ्रैंक का सर्कल ले लो ये अच्छा यूरो लिखा है डॉलर थोड़ी लिखा है सम फ्रैंक आर यूरो राइट ना ये पक्का ट्रू होगा ये पक्का ट्रू होगा क्यों अरे यूरो चाहे ये वाला लो ई या ये वाला ले लो फ्रैंक और यूरो तो कॉमन पोर्शन तो ही रहा है नेक्स्ट लिखा है ऑल डॉलर कैन बी पाउंड यस ये चीज ट्रू है याद करो ये छोटा वाला ये जो डॉलर मैंने बनाया ना यहां पे ये अंदर है पाउंड के तो यस कैन भी लिखा है तो अगर किसी एक केस में भी ट्रू हो गया मतलब फॉलो करता है अगर किसी एक केस में भी ट्रू हो गया मतलब फॉलो करता है तो बोथ फॉलो कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी राइट डन ना क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ लुक एट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लेक दिनार टका अफगानी ऑल लेक आर टका नो no टका इज अफगानी राइट right. ऑल लेक आर टका है ना और नो टका इज अफगानी तो अफगानी से टका आप अलग कर दो और ओनली अ फ्यू लेक इज दिनार तो सारे के सारे लेक दिनार नहीं हो सकते तो आप चाहो तो दिनार ऐसे रख सकते हो इसके अंदर या फिर ये भी हो सकता है दिनार ऐसे आ जाए ठीक है दो एक्सट्रीम केसेस मैंने बना दिए दिनार के लिए अग्रीड अब लिखा है नो लेक इज अफगानी अफकोर्स इट इज ट्रू अरे लेक तो टका के अंदर है टका और अफगानी तो अलग अलग है ऑल लेक बींग दिनार इज अ पॉसिबिलिटी नहीं ओनली अ फ्यू लेक आर दिनार सारे के सारे लेकिन नहीं हो सकते कुछ ही है ऐसे तो ना। और since पहला देखा ना कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया जहां पर ईधर और की पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़े ईधर और कब होता है ना तो पहला फॉलो करे ना दूसरा लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन आ रहे हो या तो ये होगा या तो ये होगा राइट right? मतलब ऑल और कौन कौन होता है सम नॉट राइट ना या फिर नो no और सम अग्रीड ना वैसा कुछ तो मिला नहीं क्योंकि हर क्वेश्चन में कम से कम एक ना एक कंक्लूजन तो फॉलो कर ही रहा है तो इधर वाला कोई सवाल था ही नहीं इनमें। आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक लिखा है नाइन पर्सन है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर वर्किंग इन थ्री डिफरेंट डिपार्टमेंट राइट ये भी पहली शिफ्ट के ऊपर बेस्ड है तीन डिपार्टमेंट हमें दे रखे हैं नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर राइट मिनिमम दो पर्सन मैक्सिमम चार परसेंट तो तुरंत हमारे दिमाग में आया नाइन बनेगा कैसे तो दो पॉसिबिलिटी है या तो तीन 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 तीनों तीन, तीन डिपार्टमेंट में तीन 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 होंगे तब नाइन बनेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है दो तीन या चार कोई और पॉसिबिलिटी है क्या अगर आप दो और दो करोगे तो एक में पांच हो जाएंगे चार और चार करोगे तो एक में एक बचेगा वो नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम दो परसेंट सब में होने चाहिए मैक्सिमम चार अग्रीड ना तो एक बात बताना जैसे इसमें लिखा है जे वर्क विद क्यू तो जे और क्यू एक साथ है और क्यू इन नी, नीदर दिस और नॉट मतलब क्यू किस डिपार्टमेंट में है क्यू पक्का एचआर डिपार्टमेंट में है क्यू पक्का एच आर डिपार्टमेंट में है तो क्यू भी है और जे भी है ये दो पर्सन तो हो ही गए डिपार्टमेंट में इसके आगे भी हो सकते हैं अब ये भी लिखा है एल डज नॉट वर्क विद जे तो एल जो है वो एच आर डिपार्टमेंट में तो नहीं आ सकता क्रॉस लगा के लिख दिया एल नहीं आ सकता राइट ना अब लिखा है के नीदर वर्क्स विद एल नॉर क्यू मतलब समझे कि के अलग डिपार्टमेंट में होगा एल अलग डिपार्टमेंट में होगा और क्यू अलग डिपार्टमेंट में होगा अग्रीड ना मतलब क्या हुआ आप किसी एक डिपार्टमेंट में के आएगा किसी एक डिपार्टमेंट में एल आएगा इन दोनों के और क्यू का अलग डिपार्टमेंट मतलब इन सबके अलग 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 डिपार्टमेंट हो गए राइट ना फिर लिखा है पी वर्क नीदर इन फाइनेंस नॉर इन एच तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं पी जो होगा वो किस में होगा राइट ना बेसिकली ये तो हमें पता चल गया ना के एल जो होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आएंगे और दोनों एचआर में नहीं आ सकते अब जैसे ये लिखा हुआ पी जो है पी के लिए डिपार्टमेंट बचा कौन सा पी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बचा अग्रीड ना एक बार देख लेना जरा यहां तक इज इट क्लियर फाइनेंस और एच हो नहीं सकता एक ही डिपार्टमेंट तो बचा ना पी के लिए अग्रीड ना एक्सेलेंट एक्सेलेंट मोनिका राइट ना अब पी के साथ में या तो के आएगा या एल आएगा राइट right, ना वील सी दैट है ना और इसी तरह अगला डिपार्टमेंट बचा कौन फाइनेंस ठीक है तो फाइनेंस तो पी के साथ में या तो के आएगा या एल आएगा और इनमें से दूसरा पर्सन इस जगह आएगा राइट right, ना बाय द वे ये लिखा है नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन एच डिपार्टमेंट अच्छा एक बात ना, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में एच डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में एक कम पर्सन है तो मतलब जो पहला केस था ना तीन तीन तीन, तीन वाला ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो तीनों डिपार्टमेंट में बराबर नंबर ऑफ पर्सन थे तो दूसरा केस पक्का ट्रू होगा है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में एच डिपार्टमेंट से वन लेस है तो फाइनेंस में दो या तीन होगा एच में तीन या चार होंगे ठीक है अभी हमें नहीं पता वील सी अच्छा ये लिखा है पी वर्क्स विद ओनली वन पर्सन मतलब पी के डिपार्टमेंट में केवल दो ही लोग हैं तो यहां पे दो हो गए तो फाइनेंस में पक्का तीन होंगे एचआर में पक्का चार होंगे अग्रेड ना पता लग गया एचआर से एक कम फाइनेंस में है पी केवल एक पर्सन के साथ में काम करता है तो एक तो पी और दूसरा वो पर्सन दोनों मिलके दो हो गए और दूसरा पर्सन होगा कौन इधर के और एल है ना डन अब एक बात बताना ये लिखा है एन एंड ओ वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विद के एन एल तो एन और आएंगे कहा पक्का एच आर में ही तो आएंगे एन एन ओ पक्का एच आर में आएंगे राइट दे कैन नॉट विद विद के और एल है ना अच्छा उसके बाद में ये लिखा है अब अब एक बात बताना तो एम जो है वो ना तो एल के साथ में है ना ओ के साथ में बाइडवे एक बात बताना एम हम रख कहा सकते हैं राइट right, पी के साथ तो नहीं रख सकते हैं एम पक्का यही होगा और एम अगर एल के साथ नहीं है इसका मतलब है फाइनेंस में के होगा रट और एल पी के साथ में पहुंचेगा अग्रीड ना क्योंकि एम एल के साथ हो नहीं सकता है कोई एक और पर्सन बचा है कोई बताएगा जो एक पर्सन बचा हुआ है क्या उसका नाम आर है यस yes या नो जो एक पर्सन बचा हुआ है उसका नाम आर है ना आर इकलौता जो पर्सन बचा हुआ है दैट इज आर अग्रीड हमने निकाल लिया राइट right, ना इसके चार इसके दो इसके तीन खत्म डन ना तो ये भी कोई डिफिकल्ट सवाल थोड़ी ना है लेकिन इससे पहले हमने जो सॉल्व करे ना पजल वो इससे ज्यादा आसान थे है ना चलिए तो फिर पहला सवाल क्या है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्क्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी P और के हैं दो पी और एल हैं दो पर्सन है ना पी दिया हुआ है फिर लिखा है इफ पर्सन एक्स ज्वाइन इन एच आर डिपार्टमेंट दर्सन वर्क एक्स एच आर डिपार्टमेंट में है कॉन जे क्यू एनओ तो जे क्यू एन ओ गि ऑप्शन ऑप्शन में ओ है कर तो करी कर ही लोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू चेक कर लेना राइट ना, right ना? यस yes, वही बताया कि इससे सिंपलर इससे पहले सेट थे या बाकी जो सेट पूछे गए इससे आसान थे ये उतना आसान नहीं था राइट ना आइल से मॉडरेट था उतना डिफिकल्ट भी नहीं था मॉडरेट था अब देखना आप लोग सॉल्व करना आगे बढ़ते हैं अच्छा अब जो आया हमारे पास में चाइनीज कोडिंग हैव अ लुक डन हाँ जी चलिए अच्छा इसमें सबसे पहले ना अगर इस इनफैक्ट ना इसमें एक ये सवाल है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जो है वो लिखा है हाउ मेनी कोड्स वर्ड आर डेफिनेटली फाउंड एज गिवन इन्फॉर्मेशन मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा वैसे नॉर्मली मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है ना वो क्या रहती है कि हम मैं ना क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करता हूं जितने की जरूरत है उतना सॉल्व करूं जैसे इसमें देख लो हमसे पूछा है फोकलिफ्ट के लिए कौन सा कोड होगा अब उसके लिए वापस जाते हैं फोकलिफ्ट हमारे दिमाग में फोकलिफ्ट के लिए कौन सा कोड होगा सबसे पहले मैंने देखा कि ये चार ऑप्शन है राइट ना अब हो सकता है मैं लकी हूं राइट हो सकता है पिछले जन्म में मैंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी है मैं लकी हूं और ये पहले वर्ड में जैसे फोकलिफ्ट आया ना तो हो सकता है कि गिवन आंसर ऑप्शन में से इन चार में से एक ही दिया हो और नन ऑफ दीज नाउ राइट ना क्वाइट पॉसिबल अब देखते हैं मैंने पिछले जन्म में तपस्या करी थी या नहीं करी थी वो यहां पता चलेगा लेट सी मैं इतना लकी हूं कि नहीं री कर आओ एंटी री भी है आओ भी है कर भी है एंटी भी चारों दे रखे हैं मतलब लगता है मैंने पिछले जन्म में तपस्या नहीं करी थी चार के चारों दे रखे हैं मतलब सोच रहा था कोई एक दिया हो नीस भी ना हो तो माक मा करके आगे बढ़ लेंगे तो चार के चारों पहले स्टेटमेंट वाले है ना कोई बात नहीं अब क्या करें पिछले जन्म के पाप है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी ओके सो अब हमने देखा फोकलिफ्ट यहां पे है और फोकलिफ्ट हमारा जो है वो इसमें भी है अच्छा वर्ड में री कर आओ एंटी कर भी है और कर इज द ओनली वन विच इज कॉमन कर इज द ओनली वन विच इज कॉमन जैसे फोकलिफ्ट पे भी है कर और इधर कर इन दोनों में कोड में क्या कॉमन है कर तो तपस्या तो नहीं करी थी पाप भी नहीं करे थे क्योंकि जल्दी आ गया राइट right. जल्दी आ गया तो हमारा आंसर क्या हो गया फोकलिफ्ट का कोड आ गया कर अग्रीड अगला वट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर फ्रेज वैन बस वैन बस पॉसिबल कोड हमसे पूछ रहे हैं वैन बस का लेट सी अब मेहनत करनी पड़ेगी तीसरा क्या है आओ अच्छा तीसरे सवाल में हमसे पूछ रहे हैं आओ लेट्स है लुक राइट ना आओ आओ पहले में है और आओ दूसरे में भी है अच्छा आओ पहले में भी है आओ दूसरे में भी है और पहले में कैरिज रोबोट ट्रेन दूसरे में कैरिज रोबोट सो बेसिकली आओ का कोड होगा क्या या तो कैरिज होगा या रोबोट होगा आओ का कोड या तो कैरिज या रोबोट लेकिन आओ के साथ में री भी कॉमन है है ना अच्छा अब इसी तरह से यहां देखना ये जो री है ना री के साथ में कैरिज दे रखा है तो आपको ये पता चला री का कोड आ गया कैरिज है ना तो इसका मतलब है आओ का जो कोड बनेगा वो पक्का से कितना क्या बनेगा रोबोट बनेगा है ना आओ का जो कोड बनेगा ये पक्का से रोबोट बनेगा तो जो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैं सॉल्व कर रहा था रोबोट यही दोनों पॉसिबिलिटी थी कैरेज या रोबोट है ना पहले दोनों स्टेटमेंट से है ना और उससे पहले मैं और क्या निकाल चुका हूं मैं कर कोट निकाल चुका हूं फोकलिफ्ट का है ना अब हमसे और बाकी जो भी पूछते जा रहे हैं विल we'll सी जैसे कि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू था वैन बस क्वेश्चन नंबर फोर क्या है ओके वैन गोट इज कोडेड टू दिस मच ओके ओके लेट इट बी मतलब ज्यादा दे रखा है तो 22 पहले सॉल्व कर लेते हैं लिखा है व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर वैन बस तो ये दोनों वर्ड हमें देखने पड़ेंगे अच्छा एक बात बताना कैन आई से कैरेज फोकलिफ्ट एंड रोबोट ये जो है इन तीन वर्ड के हमें कोड मिल चुके हैं तो जो बचा जो कोड होगा वो किसका होगा ट्रेन का बचा क्या एन टी सो एन टी इज द कोड फॉर ट्रेन एन टी इज द कोड फॉर ट्रेन अब आगे बढ़ते हैं अच्छा यहां पे देख लेते हैं क्या कैरिज रोबोट सब हो गया सबवे बचा है बस बचा है उसके ये दोनों कोड है राइट ना बी यू और बीजेड है ना सबवे या बस अच्छा आ, यहां पे भी सबवे और बस है उसके भी बी यू और बीजेड है और सबवे और बस कहीं अलग अलग तो है नहीं मतलब क्या हुआ बी यू एंड बी जेड राइट ना इन दोनों में से कोई एक कोड होगा सबवे का और दूसरा कोड होगा बस का ये हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते कैन वी डू दैट अरे जहां पे सबवे आया वहां पे बस आया राइट right, ना जैसे आखिरी में है जब जैसे ये देखा जाए सेकेंड लास्ट में ना तो सबवे है ना बस है राइट right, ना यहां पे भी सबवे और बस दोनों आ रहे हैं तो बी यू और बीजेड में कोई एक कोड होगा सबवे का दूसरा होगा राइट right, ना इसका और डू वी हैव एनी वेयर एल्स बी यू और बीजेड कहीं और आ रहे हैं नहीं आ रहे बी यू और बीजेड कहीं और आ रहे हैं नहीं आ रहे डन ना बताना जरा अग्रीड तो अब अगर देखा जाए तो सबवे कैरेज रोबोट बस सेकेंड स्टेटमेंट भी डन अच्छा अब अगर इसमें बात करी जाए कहने से एक वैन है और क्रेन है और बोट है और यहां पे क्या है क्रेन है क्रेन इन दोनों में कॉमन है क्रेन इन दोनों में कॉमन है कोड में क्या कॉमन है एनआर कॉमन है एनआर कॉमन है क्रेन कॉमन है. है और एनआर कॉमन है तो एनआर जो कोड होगा ये किसका कोड होगा क्रेन का कोड होगा एनआर जो कोड होगा ये किसका कोड होगा क्रेन का कोड होगा क्रेन डन बोट का पता नहीं बोट अब के आर एन आर राइट अब बचा क्या वैन एंड बोट वैन एंड बोट यहां बचा है तो टू और नी राइट right ना और इधर भी बस एंड क्रेन बस ऑलरेडी हो चुका है बाकी सब ठीक है तो अब बता नहीं सकते हम तो बेसिकली होगा क्या टू और नी में कोई एक होगा कोड वैन का और कोई एक होगा कोड किसका बोट का अग्रीड ना डन ना टू और नी बोट 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 की स्पेलिंग बी ओ ए टी होती है ठीक है सॉरी है ना क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ये कहीं छिपा तो नहीं ना सही है क्लियरली दिखाई पड़ रहा है अब आप एक बात बताना हमसे पूछा है and bus का याद रखना टू और नी में से कोई एक होना चाहिए और बस के लिए बी यू और बीजेड में कोई एक होना चाहिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू और नी में से कोई एक होना चाहिए तो और बीजेड और बी यू में से कोई और ये तो हुआ नहीं ये बन रहा है ऑप्शन नंबर बी सी भी नहीं होगा टू और नी में से कोई एक हमें चाहिए राइट ना इनमें से कोई एक और बी यू और जेड में से हमें कोई एक चाहिए ऑप्शन नंबर बी बन रहा है और कहीं नहीं आ रहा है है ना कदम अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वैन गोट इज कोडेड एज दिस वाओ तो हमें पता चल गया वैन का जो कोट है वो क्या है टू है है ना और तो इसका मतलब है बोट का जो कोड आ जाएगा वो पक्का नी होना चाहिए अरे वैन के लिए दो पॉसिबिलिटी थी टू या नी तो वैन का कोड यहां से टू होना चाहिए है ना तो बोट का कोड नी आ जाएगा और गोट का कोड टीजेड आ जाएगा है ना तो नी किसके लिए बोट के लिए डन कहा गया ऑप्शन नंबर डी कदम अब हाउ मेनी कोड फॉर अ वर्ड आर डेफिनेटली फाउंड एज पर गिव इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं ये तो काउंटिंग करनी है वापस जाते हैं क्या से एक दो तीन चार पांच बताना जरा पांच हमने निकाल लिए ना सही सही पांच निकाल लिए ना काउंट कर लो एक दो तीन चार और पांच हम उसके अलावा बी यू बीजे टी ओ एनी उनको हम नहीं निकाल पा रहे ठीक है तो जो आखिरी सवाल है उसका आंसर पांच आ जाएगा डन अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी हैव ए लुक ये जो मंथ वाला आया था पहली शिफ्ट में अशोक सी एज फार एज इफ यू टॉक अबाउट द फीडबैक गिवेन राइट ना आपको ना फिफ्टी फाइव प्लस का टारगेट करना था जितने लोग का फिफ्टी फाइव प्लस है दैट इज रियली गुड मतलब दैट इज गुड कट ऑफ क्लियर हो जाएगा अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो नहीं शारिक राइट right, वही जैसे मैंने सॉल्व किया अभी इसमें राइट right, मैंने बताया चाइनीज कोडिंग में मैं कभी नहीं चाहता हूं कि एक साथ जुट के मैं पूरा पूरा सॉल्व करूं ना कोई जरूरत नहीं आप क्वेश्चन वाइज करते जाओ जैसे मैंने इसमें देखा था ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में एक ही चीज पूछी है तो निकाल लेते हैं फोकलिफ्ट का वो आगे यूज हो जाएगा राइट ना ट्वेंटी टू में वैन बस था दो चीजें थी और उसमें पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे तो शायद से हमारा श्योर नहीं होगा तो इसको इग्नोर किया अब इसमें आओ का किस वर्ड का कोड है वो भी निकाल लिया राइट ना और बाद में बाकी सारे कर लिए ठीक है तो आई विल सजेस्ट कि चाइनीज कोडिंग में आप क्वेश्चन वाइज जाइए है ना तो लिखा है टेन परसेंट है ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी आर टेकिंग द सेमिनार ऑन टू डिफरेंट डेट्स इधर पांच और बाईस ऑफ डिफरेंट मंथ मार्च अप्रैल मे जून ऑफ सेम ईयर 2021 2021 लीप ईयर तो होता नहीं है तो फरवरी 28 दिन की होगी ठीक है दिमाग में हमारे शायद आगे कहीं जरूरत पड़े ठीक है तो 31 दिन वाले कौन कौन से महीने हो गए जनवरी मार्च और मई ठीक है चलिए तो लिखा है ई टेक्स द सेमिनार ऑन ऑर्ड नंबर ऑफ डे ऑफ अ मंथ विच होगा या तो पांच फरवरी को या पांच अप्रैल को ठीक है ई ने सेमिनार लिया होगा या तो पांच फरवरी को या पांच अप्रैल को, तो को, को। द वे एक काम करते हैं मैंने क्या किया मैं सारे मंथ के नाम लिख लेता हूं यहां पे जैसे हमारे पास में है जैन फेब मार्च अप्रैल और मई अगर आपको दिन देखने हैं राइट ना दिन क्या ही है आपको पता ही है इकतीस अट्ठाईस इकतीस तीस इकतीस है ना अब दो तारीख है हर जगह या तो पांच या बाईस या तो अब वो हर जगह दो दो तारीख आ जाएंगी ये तो आपको पता ही है मैं क्या उतना लिखूं बट ठीक है कोई नहीं या एग्जाम तो है नहीं राइट तो थोड़ा सा क्लियरली मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं डन दैट वुड बी बेटर ओके अब सही है इस तरह की टेबल बना लो वैसे मैंने डन न अग्रीड अच्छा एक बात बताना जैसे ये लिखा है ई टेक सेमिनार ऑन एन ऑड नंबर ऑफ डेज राइट बेसिकली तारीख ऑड थी तो पांच तारीख की होगी बाईस तारीख नहीं होगी और उस महीने में जहां इकतीस दिन से कम दिन है तो मार्च या अप्रैल यही दोनों ऐसे महीने हैं तो अगर ई ने पांच फरवरी को सॉरी फरवरी अप्रैल राइट right? ई ने अगर आ, सेमिनार लिया हुआ था तो जैसे ये लिखा है ना आर टू पर्सन बिफोर ई बेसिकली मतलब क्या हुआ है कि e, आना क्या हम रख सकते हैं टू पर्सन या टू प्लेसेस एग्जैक्टली होना चाहिए तो तो, रख सकते हैं दिस इज वन पॉसिबिलिटी और दूसरा भी बन सकता है नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आर सेम एज नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर बी तो नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आर आर से पहले जीरो तो बी के बाद में जीरो होने चाहिए आई जस्ट चेक ठीक है कि कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं कंसिस्टेंसी हमारी राइट ना इनकंसिस्टेंट हो जाए बनना रहा हो आगे क्या लिखा हुआ है ओनली फोर परसेंट टेक सेमिनार बिटवीन बी एंड टी तो चार परसेंट एक दो तीन चार जो लेगा वो पांच मार्च को लेगा है ना सी टेक सेमिनार ऑन एन इवेंट नंबर डेट बिफोर तो C जो आएगा इमीडिएटली बिफोर क्यू आएगा और सी की बाईस तारीख होगी क्यू की पांच तारीख वो कैसे भी हो जाएगा है ना आगे पी टेक्स टू पर्सन आफ्टर सी बेसिकली सी के दो पर्सन बाद में तो पी जो हो जाएगा वो यहां आ जाएगा वो भी बाईस तारीख हो जाएगी टू पर्सन या टू प्लेसेस राइट ना और उसके बाद में P जो है वो एडजस्टन नहीं है R के ठीक है ऑब्वियसली P एडज नहीं होगा R के R तो ऊपर है ना बहुत राइट right ना तो अब आगे क्या लिखा हुआ है आगे क्या है सी क्यू पी की एक ही पॉसिबिलिटी है सी क्यू पी की बाईस पांच बाईस की एक ही पॉसिबिलिटी है सी यहां क्यू यहां पी यहां देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी राइट ना फिर ये लिखा हुआ है एस टेक्स बिफोर डी बट आफ्टर एस जो है वो उसने डी से पहले एग्जाम लिया बट आफ्टर तो एक काम करें डी यहां रख दें एस यहां रख दें ए यहां रख दें ठीक है और ये भी लिखा है एटलीस्ट वन परसेंट टेक्स सेमिनार बिटवीन एस एन डी परफेक्टली फाइन बताना जरा इज इट फाइन परफेक्टली फाइन भाग्यश्री पहली शिफ्ट में इज इट फाइन क्या हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक करें अरे जैसे ई को हमने पांच फरवरी रखा है ई को पांच अप्रैल रख के भी चेक कर सकते हैं ठीक है चेक करें या कर लोगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा आई थिंक है ना ठीक है वो कैंसिल आउट हो जाएगा अब सवाल तो अब सॉल्व कर ही लोगे क्योंकि इनफैक्ट यहां कैन नॉट बी डिटरमाइंड है नहीं तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा तो जैसे मार्च पांच को किसने लिया है टी ने लिया है सेशन राइट ना टी आ रहा है ना मार्च पांच हाँ जी अगला क्या है फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग अरे चेक कर लो अब तो आप इसे सॉल्व कर ही लोगे आगे बढ़ते हैं राइट right, ना मोनिका क्या सी वाली कंडीशन थी इसमें पी टेक्स टू पर्सन आफ्टर सी तो सी के दो पर्सन बाद में राइट right, ना दो पर्सन का मतलब क्या हुआ सी और पी के बीच में दो लोग नहीं होने चाहिए एक ही लोग होगा टू आफ्टर या जो भी है एक दो दैट्स इट ठीक है एनीवे anyway, आगे बढ़ते हैं अब इनइक्वालिटी देखते हैं क्या करें अच्छा क्या आपको पता है कि कहीं पे भी जो साइन उल्टा होता है तो कोई रिलेशन नहीं निकल के आता है मतलब क्या हुआ जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं ए अगर मैं इस तरह से लिखूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए और सी के बीच में हम कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते या फिर अब आप एक जगह ये सिंबल हो एक जगह ये हो तो भी नहीं कर सकते या फिर राइट ना अब आप ऐसे कर दो तो भी नहीं कर सकते या आप आप ऐसे कर दो तो भी नहीं कर सकते है ना या उल्टा कर दो राइट ना बेसिकली आप समझ रहे हो ना इस तरह से हम नहीं कर सकते बेसिकली ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं आते जहाँ ही उल्टा हो जाए तो जैसे कि यहाँ जी और के लिखा है हम जी और के बीच में कोई भी रिलेशन बनेगा ही नहीं तो पहला तो फॉलो नहीं करता है पी और टी हमने देखा से पी जो होगा यस ये ट्रू होगा क्योंकि ये ग्रेटर का सिंबल आ गया फिर बाद में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल बने हो बने रहने दो ये पक्का ट्रू होगा तो सेकेंड अलोन फॉलो कर रहा है सेकेंड अलोन सेकेंड अलोन के लिए कौन सा आंसर ऑप्शन था बी था अच्छा फर्स्ट अलोन सेकेंड अलोन ईदर नीदर बोथ ठीक है इस ऑर्डर को मैं याद रखूंगा ठीक है आगे लिखा है अगला है। अच्छा ओ नो ये आई है थर्ड नहीं है ये आई है ओके वेट होल्ड ऑन अ सेकेंड मैं भी कू ये हुआ क्या चलिए पहला के और आई अरे कैसे इनके बीच में यहां उल्टे सिंबल आ गए तो के और आई के बीच में रिलेशन ही नहीं बनेगा एच और एल एच और एल बनेगा क्या यस एच विल भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल बड़ा नहीं होगा वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट राइट ना तो ना तो ये ना तो ये और इनफैक्ट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट तो है नहीं राइट right ना कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट या इधर हम तब लगा देते हैं जैसे कि सपोज करो कि आपके पास में ये रिलेशन ट्रू है लेकिन एक जगह हमसे पूछा गया ये और एक जगह हमसे पूछा गया ये उस केस में ये भी फॉल्स होगा ये भी फॉल्स होगा लेकिन इन दोनों में से एक ना केस एक केस तो हो जाएगा उस केस में हम इधर लगा लेते हैं अग्रेड ना लेकिन यहाँ इधर नहीं लगेगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड तो नीदर वाला कौन सा था आई बिलीव ऑप्शन नंबर डी था रॉन्ग अरे कहा गई डायरेक्शन ऑप्शन नंबर डी था ठीक है तो इसमें हम आंसर अपना मार्क करेंगे डी डन अगला बताइए जरा यहां तो सब एक डायरेक्शन वाले ही सिंबल है सब एक ही तरफ वाले हैं और ये ग्रेटर जैसे ही दिखा तुरंत हम बोल सकते हैं यस जी पक्का बड़ा होगा उसे और जी पक्का बड़ा होगा के से ये हम नहीं बोल सकते जी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के बड़ा होगा ये हम नहीं बोल सकते इसमें आंसर आ जाएगा ए है ना ओनली फर्स्ट अगला अब यहां थोड़ा कंबाइन करना है कोई नहीं हम कंबाइन कर सकते हैं ठीक है ना कंबाइन कर सकते हैं कैसे जैसे कि अब एक लाइन में ही लिखेंगे राइट ना By the way, यहां पे भी स्पेस क्यों नहीं लगा है पॉइंटर कहाँ गया पॉइंटर को गया हाँ जी मिल गया हां जी तो जैसे ये लिखा है ना सी इज ग्रेटर देन आर राइट अब अगला रिलेशन क्या है जे जो होगा वो आर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा तो जे मैंने इधर लगा लिया सी जो होगा वो के से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा तो बेसिकली के जो है वो सी से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा के बराबर किसके? है एल से तो एक ही लाइन में आ गया इस तरह से डन ना अब पहले टी और जे के बीच में रिलेशन है टी और जे अरे ऐसे कैसे ये दो उल्टे सिंबल आ गए ना ना आर और के, के बीच में रिलेशन है यहां पे भी नहीं क्योंकि ये दो उल्टे सिंबल आ गए ना, तो नन नन मतलब डी नीदर फॉलोज अग्रीड ना ठीक है अगला देखना जरा आप लोग सिक्स पर्सन एल एम एन ओ पी क्यू आर लिविंग इन अ सिक्स स्टोरी बिल्डिंग राइट ना लोअर मोस्ट फ्लोर को एक नंबर दिया हुआ है राइट इस तरह से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है आप देखिए जरा पढ़िए तब तक मैं नंबर बनाता हूं बनाना क्या है मैं एक दो तीन चार पांच और छेड छे। ना अच्छा एक बात बताना है यहां पे लिखा हुआ है जैसे कि पढ़ लिया जैसे यह लिखा हुआ है ओनली वन फ्लोर बिटवीन पी एंड क्यू तो या तो पी ऊपर होगा एक ब्लैंक फ्लोर देन क्यू या फिर दूसरा क्यू ऊपर होगा एक ब्लैंक फ्लोर देन पी अच्छा यह भी लिखा है एम लिव्स टू फ्लोर अब क्यू तो एम जो होगा वो क्यू से दो फ्लोर ऊपर होगा तो एक फ्लोर ये दूसरा फ्लोर ये तो एम तो यहां आ गया एम और पी दोनों सेम फ्लोर पे तो नहीं हो सकते अलग अलग फ्लोर पे होंगे तो ये केस कैंसिल क्योंकि एम और पी एक फ्लोर पे आ रहे हैं यहां पे बनेगा ये क्यों आ गया अब यहां पे एक और फ्लोर फिर एम अग्रीड ना इस तरह का कुछ बनेगा ना डन राइट ना सुर भी ये नहीं हो सकता अब एक बार प्लीज चेक करिए ओके ओके सचिन तो पी एन एन में शायद थोड़ा सा वो बनेगा अग्रीड डन अच्छा ये भी लिखा हुआ है इस तरह हमने देख लिया और क्या लिखा है ओ लिव्स ओ लिव्स थ्री फ्लोर अबव पी तो एक फ्लोर दो फ्लोर तीन फ्लोर ओ यहां आ गया ओ यहां आ गया ओ एम और क्यू के बीच में आ गया ठीक है आगे हमने देखा द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन एम एंड ओ एम और ओ के बीच में वन पर्सन है सॉरी जीरो पर्सन है ये वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एल एंड एन तो एल और एन के बीच में वन पर्सन होगा है ना और एल और एन आएंगे कहां पे पर एक पी से ऊपर दूसरा पी के एक पी से जस्ट ऊपर दूसरा पी से जस्ट नीचे और एल लिव्स अब एन तो एल यहां आ गया एन यहां आ गया यही सीक्वेंस है एन पी एल क्यू ओ एम तो थर्ड फ्लोर पे कौन है एल है डन क्लियर 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 डन गाइस अगला हैव अ लुक देखना जरा ये जो हमारे पास में डिफरेंट डेज जो सेवन डेज वाला जो आया था सेवन डेज वाला जो आया था उस पर जरा देखिए सेवन परसेंट ए बी सी डी ई एफ जी अटेंड मीटिंग ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अटार्टिंग ऑरेंज एपल कीवी मैंगो बनाना एंड वाटरमेलन ठीक है ना ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट ने इन द सेम ऑर्डर ऑबियसली वो तुम्हें तो पता ही होता है इस लाइन की जरूरत नहीं है राइट right, ना चलिए देखिए जरा तब तक मैं एक काम करता हूं मैं यहां पे लिख लेता हूं डे पर्सन और उसका फेवरेट फ्रूट टेबल बनाऊ मैं आप पढ़िए राइट मैं आई कैन यूज पावर पॉइंट टू ड्रॉ द टेबल एंड ऑल राइट ना होल्ड ऑन ए सेकेंड वहां पे एटलीस्ट लाइन तो सीधी बन जाएंगी सात लोग थे ना So, number of rows I require 8, number of column I require 3. 8 by 3. 8 by. No, 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 not 8 by 4. No, no. Monday Agla Jaga Tuesday. Does it work like Excel? I don't know. Let's have a look. No, it doesn't. थर्सडे अरे नहीं फ्राइडे सैटरडे एंड देन फाइनली वी हैव संडे डोंट वरी आई इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड ऑल ओके मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा तब तक आप लोग पढ़िए राइट right? ना इतनी देर में क्यों कर रहा हूं ताकि उतनी देर में आप लोग पढ़ लो ओके okay. हाँ जी चलिए तो एक ब्लैंक टेबल हमने बना ली ओके ओके सुरभि हाँ तो ब्लैंक टेबल बन गई अब जैसे इसमें ये लिखा है बी अटेंड्स थ्री डेज बिफोर द वन हु लाइक वाटर मेलन अभी हम एक्जैक्टली exactly फिक्स थोड़ी ना कर सकते हैं हम स्टार्ट उस पर्सन से करेंगे जिसकी पोजीशन फिक्स आ जाए राइट right ना जिसका डे हमें पता चल जाए अगर नहीं पता चल पा रहा है तो वहां से स्टार्ट करेंगे मंडे है। है? तो या ट्यूसडे को तो नहीं अटेंड किया लेकिन तीन दिन पहले जो वॉटर मेलन लाइक करता है तो बी ने या तो वेन्सडे को अटेंड किया है या थर्सडे को अग्रीड ना क्योंकि बी ने वॉटर मेलन से तीन दिन पहले राइट right ना तो बी ने या तो वेंसडे को या थर्सडे को अगर ना वाटरमेलन या तो सैटरडे या संडे ठीक है ओनली थ्री पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड सी ना अब हमें पता चल गया अगर मैं बी यहां रखता हूं बी अगर मैं थर्सडे को रखता हूं तो आप बताओगे मैं सी कहां रख सकता हूं सी क्या मंडे हो सकता है सैटरडे हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है हमें यह पता है कि तीन लोगों ने मीटिंग थ्री पर्सन अटेंड बिटवीन बी एंड सी तो मीटिंग अटेंड करने बी और सी के बीच में तीन लोग होने चाहिए तो अगर बी मैं थर्सडे रख दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ क्यों हो जाएगी? फिर सी रखने की कोई जगह नहीं है ना तो बी पक्का वेंसडे होगा तो अगर बी पक्का वेंसडे होगा तो बी हमने वेंसडे रख दिया और सी कहा आ जाएगा सैटरडे और जो बी है बी ने थ्री डेज बिफोर द वन हु लाइक वॉटरमेलन तो जो पर्सन सैटरडे को था ना दैट पर्सन लाइक वाटरमेलन ठीक है तरबूज किसे पसंद है जिसने सैटरडे को मीटिंग अटेंड करी अग्रीड ना तभी तीन पर्सन होंगे ना थ्री डेज बिफोर एक दिन पहले दो दिन पहले तीन दिन पहले ठीक है एरो से इंडिकेट कर रहे हैं तीन दिन कीप इन माइंड सी विल नॉट लाइक वॉटरमेलन द पर्सन हु अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे विल लाइक वाटरमेलन अग्रीड अब आगे बढ़ते हैं द वन हु लाइक कीवी अटेंड्स इमीजिएटली आफ्टर द वन इमीजिएटली आफ्टर द वन हु लाइक एप्पल मतलब एप्पल जहां पे भी आएगा उसके जस्ट बाद में जस्ट नीचे कीवी आएगा राइट right ना वो हम बाद में देख लेंगे कहाँ पे फिट करना है द वन हु लाइक बनाना अटेंड्स टू डेज बिफोर डी अभी भी हमें ये नहीं पता डी लाइक्स नीदर वॉटर मेलन नॉर कीवी ओके ए अटेंड्स इमीजिएटली बिफोर एफ तो ए जो आएगा वो इमीजिएटली बिफोर एफ और ए डज नॉट अटेंड ऑन मंडे तो ए ने मंडे को अटेंड नहीं किया है तो ए ने ट्यूसडे को भी तो ए और एफ का जो कॉम्बिनेशन होगा या तो थर्सडे फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे ए और एफ का जो बनेगा या तो थर्सडे फ्राइडे या तो फ्राइडे सैटरडे अग्रीड ना डन जी लाइक्स नीदर बनाना और मैंगो सी लाइक्स नीदर मैंगो नॉर गुआवा ठीक है चलिए अच्छा एक बात बताना ए के लिए या तो थर्सडे फ्राइडे है या फ्राइडे सैटरडे है है ना और जैसे ये लिखा हुआ है सी लाइक्स नीदर मैंगो नॉर गुआवा यहां पे ना तो हम मैंगो लिख सकते हैं और ना ही हम ओके अग्रीड okay. ना तो सी लाइक्स नीदर मैंगो नॉर गुआवा एप्पल और कीवी एक साथ आना होगा ठीक है ना और बी लाइक्स नीदर कीवी नॉर एप्पल बी लाइक्स नीदर कीवी नॉर एपल यहां पर ना तो कीवी आ सकता है ना ही एप्पल आ सकता है इसका मतलब क्या हुआ कीवी एपल या तो मंडे ट्यूजडे होंगे या थर्सडे फ्राइडे होंगे यह भी हमें देखा ना कीवी एप्पल जो होगा वो या तो मंडे ट्यूजडे या तो थर्सडे फ्राइडे अग्रीड ना कीवी एपल जो होगा वो या तो मंडे ट्यूजडे या थर्सडे तो फ्राइडे तो आगे बढ़ते हैं तो कीवी एप्पल के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है और ए और एफ के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है मतलब वो ठीक है वो मैं आ गया समझ में द वन हु लाइक बनाना अटेंड्स टू डेज बिफोर डी तो डी जो होगा अच्छा इससे मैं एक चीज पता चली तो डी जो होगा डी आएगा कहां द वन हु लाइक बनाना अटेंड्स टू डेज बिफोर डी डी अगर थर्सडे को होता तो बनाना वाला ट्यूजडे आता डी अगर सैटरडे होता तो बनाना वाला थर्सडे आता ठीक है ना और डी लाइक्स नीदर वॉटर नॉर कीवी तो डी सैटरडे तो हो ही नहीं सकता ठीक है डी सैटरडे नहीं हो सकता डी लाइक्स नीदर वॉटर नॉर कीवी अग्रेड ना और ए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बनाना नॉर मैंगो अच्छा एक काम करते हैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा अगर मैं कीवी और एप्पल यहां रख दू वट आई डू आई यूज अ डिफरेंट कलर ताकि हमें ये पता रहे कि हम पॉसिबिलिटी के बारे में जा रहे हैं राइट right, ना इससे कई बार आप चाहो तो मेंटली भी एलिमिनेट कर सकते हो बट यहां से हेल्प मिलेगी कि इन अ सेंस हम कोई कंडीशन बोलेंगे नहीं ठीक है तो कीवी और एप्पल इस तरह से आ गया डन ना अच्छा अब एक बात बताना जैसे ये लिखा हुआ है डी लाइक्स नीदर वॉटरमेलन नॉर कीवी ठीक है और ये भी हमें पता है द वन हु लाइक बनाना अटेंड्स टू डेज बिफोर डी ओके okay, तो जिस पर्सन जो पर्सन बनाना लाइक करता है वो दो दिन पहले डी से उसने पहले अटेंड किया तो अगर मैं बनाना यहां रखता हूं तो कहना से डी यहां आ जाएगा लेकिन अगर डी यहां आ जाएगा तो ए और एफ जाएंगे कहां इश हो जाएगा ना ए और एफ के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं और, और अगर आप बनाना यहां रखते हो तो डी यहां जाएगा लेकिन डी वाटरमेलन लाइक नहीं करता है मतलब कीवी एप्पल जो हमने मंडे ट्यूसडे रखा है वो गलत है कीवी एप्पल जो हमने मंडे ट्यूसडे रखा है वो गलत है और अगर कीवी एप्पल मंडे ट्यूसडे गलत है तो कीवी एप्पल के लिए इकलौती पॉसिबिलिटी क्या है कीवी और एप्पल के लिए सॉरी एप्पल पहले आएगा फिर कीवी आएगा इकलौती पॉसिबिलिटी क्या है थर्सडे फ्राइडे है ना यही आएगा अग्रीड अब आप एक बात बताना हम डी कहां रख सकते हैं डी कहां रख सकते हैं डी से दो दिन पहले बनाना आना चाहिए और डी ना तो कीवी लाइक करता है ना वाटरमेलन तो डी जो होगा इकलौती पॉसिबिलिटी थर्सडे तो बनाना लाइक करने वाला ट्यूसडे बनाना लाइक like करने वाले ने मीटिंग कब अटेंड करी ट्यूसडे को करी अग्रीड ना बाय वे अब ए और एफ यहाँ आ गए बचा कौन बचा कौन अभी हमारे पास में जी बचा हुआ है और कौन बचा है ए बी सी डी ई बचा हुआ है तो अभी हमारे पास में जी और ई e, ये दो पर्सन बचे हुए हैं ठीक है अच्छा मैंगो गुआवा अगर यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पे बचा कौन सा फ्रूट जो यहाँ आ सकता है आखिरी में ऑरेंज ही तो आ सकता है इकलौता मैंगो गुआवा यहाँ नहीं आ सकता अग्रीड ना अच्छा बी के बारे में भी कुछ लिखा था ना राइट right, ना बी के बारे में भी कुछ लिखा जैसे ये लिखा था जी लाइक्स नीदर बनाना नॉर मैंगो तो जी जो है जी डजन लाइक बनाना तो जी ट्यूसडे नहीं हो सकता तो जी पक्का मंडे होगा राइट ना और जी मैंगो भी लाइक नहीं करता तो मैंगो यहां आना चाहिए मैंगो मंडे नहीं आ सकता बचा कौन सा फ्रूट गुआवा तो जी लाइक्स गुआवा अग्रीड ना पर्सन कौन बचा है ई e और बचा है डन क्या ये चीज क्लियर है इस तरह से होगा गॉट इट एनी वे नाउ यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग डिड ए अटेंड द मीटिंग आपने देखा ए ने कब अटेंड करी फ्राइडे को है ना अब सॉल्व तो कर ही लोगे सारे के सारे ठीक है डन न सो गाइज ये थे हमारे पूरा का पूरा जो बेसिकली इट वॉज फ्रॉम द शिफ्ट वन उसका मेमोरी बेस्ड शिफ्ट वन का आई होप आपको आइडिया लग गया है सबसे पहले जो लोग सॉल्व करके आए थे राइट ना कि कैसे सॉल्व करना था एन ना मोर इंपॉर्टेंटली जिन लोग का सात तारीख को है जिन लोग का सेवेंथ को है राइट ना थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरह का रीजनिंग पूछा जा रहा है डन ना डन क्लियर है सभी को चलिए तो फिर अब, अब क्या करते हैं लेट्स रैप दिस सेशन अप सी यू टुमारो गाइस हैव अ ग्रेट डे बाय बाय